पूरे देश को इतना ठगा है कि लोगों को बिल्कुल झूठ बोल करके सताने आ गए। लोग हिसाब लगाने लग गए कि पांच घर में पांच आदमी पीछे तलाक तो आ गए। कहां गए बंगला? क्यों झूठ बोल रहे? कहां 15 करोड़ नौकरियां आई? ये नौजवान आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के सम्मान समाज का व्यक्ति आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि मोदी जी ने झूठ बोल करके सत्ता हथियाने की कोशिश की और सत्ता में बैठ गए। मुझे बताओ कि हर बीते में जो किसी को नौकरी लगी, किसी के खाते में 15 लाख है? इस बात की कांग्रेस ने और मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? मोदी जी आजादी से पहले बिजली आसमान में देखते थे, आसमान में चमकती थी बिजली नीति पूरे देश के अंदर। आजादी के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ, पंडित जी प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब प्रोम मिनिस्टर बने, उन्होंने संविधान किया। बाबा साहब संविधान ने सब किया देश को दिया, या इस दुनिया में संविधान का मुकाबला नहीं हो सकता। बाबा साहब ने संविधान का सड़कों का जाल, शिक्षा का विस्तार 20-20 किलोमीटर में, प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करते थे जमाने में, आज तक के थाने में प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल मोदी जी करके गए तीन साल का। एक 5.5 मैं जब लक्ष्मणगढ़ में चुनाव लड़ने गया 1974 में 5 किलोमीटर सड़क थी, 13 गांव बिजली थी, पूरी इलेक्ट्रीफाइड कराई पूरी तहसील, इनके गांव में यास पड़ोस के भेड़ का आवास चंदोली पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं उस जमाने में। हमारा धर्म पर हमने कोई एहसान नहीं किया, इसलिए हम काम में विश्वास करते हैं। आप लोगों ने बहुत फैसला अच्छा किया है, लोग आपको कहेंगे कि आपने अच्छा फैसला किया, आनंद आएगा आपको। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ काम कर काम कैसे ये तो हंस रहे उनके गाँव में पूरे काम की एक काम बाकी नहीं छोड़ पूरे काम ईमानदार ऐसे क्यों पर्चे देते हैं पर्चा से देख जैसे क्यों इन 10 गांव में ढेर का बाद पंचायत में कोई आता नहीं, पूरी बिजली एक खम्मा नहीं था, पूरी पंचायत में जब फाइल करा सब गांव में फाइल कर दिया गया। ये आप लोग बहुत अच्छा काम किया, आप बधाई के पात्र हो, हम धन्यवाद देने आए आपको कि आने वाला फ्यूचर आपका है। किसानों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार है, आम जन की सरकार है कांग्रेस। हम सब मिलकर के इन गांव में विकास करेंगे। इन्हीं भावनाओं को लेकर के मैं आपसे इस बात को समाप्त करता हुआ आपके हस्बैंड भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।